हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक सबको चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टेक न्यूज़ बताने वाला हूँ जो कि टेक इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा बदलाव लाने वाली है। जैसे कि स्मार्टफोन कंपनियों के बीच पिक्सल वार तो इन दिनों काफ़ी हाइट पर है। शाओमी ने अपने बजट फोन रेडमी नोट 7 से इसकी शुरुआत की थी, जो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया था, जिसके बाद फोन इंडस्ट्री में पिक्सल वार शुरू हो गया था। इसके बाद 64 मेगापिक्सल का स्मार्टफोन भी मार्केट में नजर आए, जिसमें कि कुछ लोग तो ये वीडियो भी अपने 64 मेगापिक्सल वाले फोन में देख रहे हैं। तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपके पास कितने मेगापिक्सल वाला फोन है। और अभी हाल ही में 108 मेगापिक्सल का कैमरा का ट्रेंड शुरू हो गया है। कई स्मार्टफोन ब्रांड 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ फोन लॉन्च कर चुके हैं और कुछ इस साल के एंड तक और भी हो जाएंगे। और कुछ लीक सामने आ रहे हैं कि सैमसंग अब 250 मेगापिक्सल कैमरा लाने की तैयारी कर रहा है। न्यूज के अकॉर्डिंग सैमसंग का 250 मेगापिक्सल आइसोसेल इमेज सेंसर अभी के सेंसर जो हाल ही में अभी आपको कोई सेंसर मिल रहा है उससे 1 इंच बड़ा हो सकता है, जिससे कि कैमरा का बंप और भी ज्यादा आपको बाहर दिखाई देगा। इसके अलावा 150 मेगापिक्सल कैमरा भी लाएगा सैमसंग, बट कैमरा सेंसर भले ही सैमसंग की ओर से तैयार किया जा रहा हो, लेकिन कंपनी सबसे पहले इसको अपने स्मार्टफोन में नहीं लाने वाली। शाओमी सैमसंग से पहले इस सेंसर का इस्तेमाल कर सकती है, बट अभी कंपनी की तरफ से ऐसा न्यूज नहीं आई है। हो सकता है कि शाओमी 150 मेगापिक्सल वाला नया फोन मी सीसी सीरीज में या फिर मी मिक्स सीरीज में ला सकती है। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कितने मेगापिक्सल वाला कैमरा फोन सही लगता है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो अब स्मार्टफोन कंपनियां 5G फोन भी लॉन्च करने लगी है। हालांकि अभी इंडिया में 5G नेटवर्क कहीं दूर दूर तक भी नहीं है, बट स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं और लोगों के हाथ में भी 5G स्मार्टफोन है। ऐसे में टोटल 5G स्मार्टफोन मार्केट की शिपमेंट 24 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। ये डेटा 2020 की क्वार्टर 3 का है। 5G स्मार्टफोन की डिमांड पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा चाइना में 5G स्मार्टफोन की डिमांड देखने को मिली है। एक न्यूज के अकॉर्डिंग सैमसंग ने इस साल सबसे ज्यादा 5G फोन की शिपमेंट की है और हुआवे दूसरे नंबर पर रही है। सैमसंग ने 2020 के क्वार्टर 3 में 8.3 मिलियन यूनिट शिप की है, वहीं 8 मिलियन यूनिट्स के साथ हुआवे दूसरे नंबर पर रही है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो अब माइक्रोसॉफ्ट यूज करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। कंपनी ने कहा है कि अब एमएस वर्ड में फुल स्टॉप के बाद दिए गए डबल स्पेस का एरर बताएगा। बहुत से लोग इसको मॉडर्न डे टाइपिंग में सही नहीं मानते थे, इसलिए अब 75 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में ये चेंज कर दिया गया है। इसके लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है, या फिर आप कोई भी नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको ये अपडेट ऑलरेडी मिलेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइपिंग करने पर डबल स्पेस ब्लू लाइन के ये फॉर्मेटिंग एरर दिखाएगा। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो इंडिया में महंगे स्मार्टफोन के नाम पर सबसे पहले जो दिमाग में नाम आता है वो है एप्पल का आईफोन। 45,000 से महंगे स्मार्टफोन सेगमेंट में एप्पल का शेयर 55% है, जो कि काफी ज्यादा है। एप्पल के बाद सैमसंग और वन प्लस जैसी कंपनियां भी आती हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि एप्पल ने आईफोन 11 की 78% की ग्रोथ की है इंडिया में। इसकी सबसे बड़ी वजह है फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ऑनलाइन साइट पर मिलने वाली ऑफर्स। आईफोन 11 से पहले आईफोन 10R स्मार्टफोन सबसे ज्यादा बिका था। हालांकि इस नए आईफोन 11 हर बार की तरह काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया था, बट फिर भी ये काफी ज्यादा सेल हुआ है। आईफोन 11 को कंपनी ने सितंबर 2019 में 64,900 रुपए में लॉन्च किया था और डिस्काउंट ऑफर के बाद आईफोन 11 की करीब 58,000 रुपए कीमत हो गई थी। कंपनी की ये स्ट्रेटेजी फोन की बिक्री में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है। तो आगे से जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च हो तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर कोई ना कोई ऑफर स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि आपको उसका डिस्काउंट मिल सकता है। तो दोस्तों, इतना था इस टेक न्यूज में। कैसी लगी आपको टेक न्यूज नीचे कमेंट करके यार जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।